मित्रों, ऑयली स्किन की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल। हर किसी को आप देखिए, वो ऑयली स्किन से बहुत ज्यादा परेशान रहता है। आज हम इस वीडियो में इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ऑयली स्किन आखिर है क्या, आखिर ये इसके ऑयली स्किन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे, और कौन कौन से इसके दूसरे कारण है, क्या क्या होम रेमेडीज करके हम इस ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं और चेहरे का ग्लो बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आपको। तो बिना कोई देर किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ऑयली स्किन आखिर है क्या, क्या होती है ये ऑयली स्किन। ऑयली स्किन होती है जो थोड़ी मोटी होती है, ये चमड़ी थोड़ी मोटी होती है और बड़े बड़े रोम छिद्र वाली होती है। इसके जो छेद होते हैं, जो छिद्र होते हैं, वो थोड़े बड़े होते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से, या फिर बहुत धुएं की वजह से ये जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं और ऑयल जो होता है वो उसमें जमा रहता होता है। धूल, गंदगी, पॉल्यूशन सब जमता रहता है चेहरे पर, उसकी वजह से ये बंद हो जाते हैं। और उसके बाद में इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है पिंपल्स के रूप में, जो मुहासे हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, किसी को व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत मोटी होती है थोड़ी सी, और इसमें ऑयल का कंटेंट रहता है। और इसके पीछे जो जो जिम्मेदार कारण है, जो मेन कारण है, वो रहता है कफ दोष का बढ़ जाना। अगर कफ दोष बहुत बड़ा हुआ है तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ जो ऑयली स्किन होने के और भी कारण हैं, जैसे कि ये जेनेटिक हो सकता है, आनुवांशिक, पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रॉब्लम चल सकती है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं शरीर में किसी उम्र की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी ऑयली स्किन हो सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक मैंने आपको बताया, फिर बदलता हुआ मौसम, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या फिर आपके कार्य की नेचर ही ऐसी है कि आप एक मौसम से दूसरे मौसम में ट्रैवल करते हैं, तो ये ऑयली स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इसके कुछ कारण है, और सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि कफ दोष बढ़ रहा है शरीर में, कफ का बढ़ना ये इसके मूल कारण है। अब हम देखते हैं कि वो क्या क्या तरीके हैं, वो क्या क्या होम रेमिडीज हैं, घरेलू नुस्खे हैं, जिनकी वजह से इस ऑयली स्किन से छुटकारा पाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस ऑयली स्किन से छुटकारा पाने के लिए अपने चेहरे की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना चेहरा दिन में 3-4 बार, 5 बार अगर आप धोते हैं, और हल्के गुनगुने पानी से अगर आप धोते हैं, तो आपको ये ऑयल जो है बार बार हटता रहेगा, चेहरा क्लीन होता रहेगा, और जो रोम छिद्र, जो पॉल्यूशन, धूल मिट्टी की वजह से बंद हो जाते हैं, वो खुलते रहेंगे। तो ये काम आपको करना है कि चेहरे की साफ सफाई रखना है। दूसरी बात, आपको जंक फूड, फास्ट फूड, तली भुनी चीजें, इनका उपयोग आपको नहीं करना है। सुनने में बहुत छोटी चीजें लगती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑयली स्किन ठीक हो, तो आपको इनको अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, तभी आप इस ऑयली स्किन से मुक्ति पा सकते हैं। तीसरा यह है कि बहुत ज्यादा तनाव और स्ट्रेस भी नहीं लें, क्योंकि बहुत ज्यादा तनाव अगर आप लेंगे, स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, तो फिर आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, उसकी वजह से भी आपके पिंपल्स होना, चेहरे पर जाइया आना, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इनको भी आपको दूर करना पड़ेगा। बहुत तनाव लेना और स्ट्रेस लेना भी ठीक नहीं है। इसके साथ साथ कुछ घरेलू टिप्स हैं, जैसे कि आप मुल्तानी मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने से, बहुत लंबे समय से हम लोग मुल्तानी मिट्टी का चेहरे पर लेप करते आए हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। प्योर और शुद्ध अगर आपको गुलाब जल मिलता है कहीं से, तो गुलाब जल को आप कॉटन में, रुई में लेकर के आप अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे आप ऑयली स्किन में आपको रिलीफ मिलेगी। एक छोटा सा घरेलू नुस्खा और भी है कि आपको नींबू के रस में 1 चम्मच आपको हनी, जो शहद होता है, उसको मिक्स करके फिर आप चेहरे पर लगाइए। इससे आपकी चेहरे की क्लीनिंग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नींबू जो है वो क्लीनिंग करेगा और नरिशमेंट मिलेगी आपके चेहरे को, पोषण मिलेगा, और जितने भी ये जो रोम छिद्र हैं वो खुल जाएंगे, धूल मिट्टी सब हट जाएगी। उसको लगा रहने दे थोड़ी देर, नींबू के रस में शहद मिला करके उसको, उस लेप को थोड़ी देर लगा रहने दे, उसके बाद धोएं आप। और जो मूल कारण, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार कारण मैंने बताया कि कफ की वृद्धि होना, तो आप इसी चीजों का अपनी लाइफ में उपयोग ही कम कर दें जिनसे कफ बढ़ता है। बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीना है, तली भुनी चीजें नहीं खाना है, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फ्रिज का पानी, इस तरीके से जो कफ बढ़ाती है,
उन चीजों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय करके आप अपनी जो ये ऑयली स्किन की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हैं। जानकारी बहुत साधारण सी जानकारी, लेकिन ये प्रयोग, ये नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। अगर आपको ऑयली स्किन से छुटकारा पाना है तो इनको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये जो हम बाहर से लगाते हैं ये तो हुई एक अलग बात, फिर आपको शरीर की अंदर से भी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना उसके लिए एक अलग से वीडियो दे रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के देखें। शरीर की अंदरूनी सफाई करने से भी चेहरे की जो ग्लो है, उसकी कांति चमक है, वो बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस वीडियो में किस तरीके से हम लोग ऑयली स्किन से छुटकारा पा सकते हैं, क्या होती है ऑयली स्किन, क्या इसका कारण रहता है, कौन कौन से घरेलू उपाय करके हम इस ऑयली स्किन से मुक्ति पा सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरीके का कंटेंट आपको आगे से आगे मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।